difference between positive economics and normative economics. Difference between positive economics and normative economics. ठीक है, ये अपने आप में IMP यानी important है topic अपने आप में. ठीक है, इसमें से maximum देखा गया है question आता ही आता है. Done. किसी भी तरीके से पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, ये पूछ सकता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं ये बता दो, या एक एक केस स्टडी टाइप की दे देगा, वैल्यू बेस्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है. डन. और उसमें पूछ देगा कि बताओ ये जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, तो पहचान क्या है वो हमें समझनी है. डन. तो डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब हमें देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की पहचान जो है ना वो है शुड. आपको लगा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, शुड मिलेगा या ओट लगा मिलेगा, शुड या ओट का यूज होगा. डन. शुड या ओट का यूज होगा, दोनों का हिंदी मीनिंग अगर मैं बताऊं तो ये होता है चाहिए. डन. तो आपको अगर शुड या ओट सेंटेंस में लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एक सेंटेंस होता है. डन. क्योंकि यहाँ पे ना ओपिनियन टाइप की चीजें आती है, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इनकम इनक्वालिटीज को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी सिर्फ एक ओपिनियन होती है, वह एक्चुअल डेटा नहीं होता आपका. डन. तो आपको ये लगा हुआ मिलेगा सबसे आसान पहचान है इसकी. अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इट डील्स विद, ये डील करता है विद इकोनॉमिक इशूज यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से रिलेटेड टू, जो कि इससे रिलेटेड होगा पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से. पास्ट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट से रिलेटेड हो या फ्यूचर से रिलेटेड हो, ठीक है, ये उससे डील करेगा. ठीक है, उन इकोनॉमिक इश्यूज से डील करेगा. इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज जो कि रिलेटेड है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से. यहाँ पे बात करते हैं तो ये डील करता है किसके साथ, ओपिनियन. ये ओपिनियन बेस्ड होता है किसकी, ओपिनियन इकोनॉमिस्ट की, ठीक है, जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज, यानी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए ये कुछ ओपिनियन देते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए. ठीक है, तो अगर ओपिनियन आ रही है तो नॉर्मेटिव के अंदर है और ये एक्चुअल डेटा होता है आपका विद द इकोनॉमिक इश्यूज जो बोल रहा है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का जो डेटा है उसकी बात कर रहा है आगे. इसलिए अब ये एक्चुअल होने के कारण इसको आप वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल डेटा से. अब जैसे आपने बोला कि कल मान लो कोई मैच हुआ और उसमें विराट कोहली ने मान लो तुमने बोला कि 6 चौके मारे. डन. तो अब अगर आपने 6 चौके मारे, अब कल मैच हुआ ना, बिल्कुल हुआ है. देन आप चेक कर लो, आप एक्चुअल डेटा से उसको वेरीफाई कर लो, आपको पता जाएगा उसने 6 चौके मारे भी थे या नहीं भी मारे. देन उसकी बाउंड्री काउंट कर लो वहां से, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो. बट यहाँ पे था विराट कोहली को ना 7 मारना चाहिए था, अब इसको कैसे वेरीफाई करोगे, तो इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते. बात समझना. इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ओपिनियन होती है इसकी बात करता है. इसको आप एक्चुअल डेटा से रिलेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, इसको आप एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते हो. डन. ये जो है इट डज नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं करता है. क्या इन्वॉल्व नहीं करता है, वैल्यू जजमेंट, यानी इस टाइप की चीज है, ओपिनियन बेस्ड टाइप की चीज है, ये इन्वॉल्व नहीं करता है. बट ये आपका वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व करता है, ये क्योंकि ओपिनियन बेस्ड होता है आपका. डन. सेम पॉइंट आने वाला है, इट रिलेट्स टू, ये रिलेट किससे जुड़ा हुआ है, व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट वुड बी क्या होगा. डन. तो ये व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी से रिलेटेड, यानी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड होता है. सेम पॉइंट ओवर हो रहा है, ये रिलेट करता है किससे, व्हाट वुड टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए. देखो यहां पर ओट आ रहा है, चाहिए वर्ड आ जाएगा. डन. ओ यू जी एस टी. एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में आय की असमानता, यानी इनकम जो लेवल, जो इनकम का जो लेवल है किसी के पास वो क्या अलग अलग है. ठीक है, सेम लेवल हमारे यहाँ नहीं है, कोई ज्यादा कमाता कोई कम कमाता, इसके कारण अमीर गरीब को बहुत बड़ा फासला मारे हैं. तो उसने बोला बिल्कुल क्या है, आप एक्चुअल डेटा से रिलेट करो तो बिल्कुल मिलेगा आपको. डन. क्योंकि हमारे इनइक्वालिटीज बहुत बड़ी उस लेवल पे. और इसके अगर ये क्या कह रहा है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, उसको रिड्यूस करना चाहिए. तो अगर शुड बी रिड्यूस करके क्वेश्चन दे दिया, समझ जाओ ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव का है और ये किसका आपका पॉजिटिव का. तो ये डिफरेंस जो है ना, मैं आपको बता दूं इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं. इट डील्स विद इकोनॉमिक इशूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशूज.
It can be verified with actual data, it cannot be verified with actual data, it does not involve value judgment, but it involves value judgment. It relates to what was, what is, and what would be. It relates to what or to be. Example, there is inequalities of income in our country, income inequalities should be reduced. तो ये जो था ना हमने डिफरेंस कर लिया डर